आगे बढ़ते हैं और आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी पुण्यतिथि है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी दादी और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में शक्ति स्थल पहुंचकर राहुल गांधी ने उनकी स्मृति में पुष्प अर्पित किए और उनके योगदान को याद किया। इंदिरा गांधी को उनके साहस और दृढ़ निश्चय के लिए आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 1966 से लेकर 1984 तक देश का नेतृत्व किया और आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर राहुल गांधी ने शक्ति स्थल पहुंचकर अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो शक्ति स्थल से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राहुल गांधी ने खास तौर पर अपनी दादी और अपने दृढ़ संकल्पों के लिए और दृढ़ जो निर्णय लिए थे उनके लिए जाने जाने वाली आयरन लेडी को राहुल गांधी ने याद किया। शक्ति स्थल पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। और चलिए अब बात कर लेते हैं दीपोत्सव की। तो देश भर में दीपावली की आज धूम है। कई जगहों पर दिवाली कल मनाई जाएगी लेकिन ज्यादातर जगहों पर आज ही दीप जलाए जाएंगे। इस मौके पर लोग धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दिए जलाते हैं और आतिशबाजी करते हुए दीपावली का जश्न मनाते हैं। रोशनी के इस त्यौहार की धूम हर तरफ नजर आ रही है। हर तरफ रोशनी है, साज सजावट है। आज माता लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा का भी विधान है। तो देश भर में दीपावली की धूम है और इस अवसर पर कई श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने भी पहुंचते हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां माता वैष्णो देवी के दरबार में दीपावली के इस पावन मौके पर कई श्रद्धालु दर्शन करने के लिए